हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज स्टील के बारे में। बजाज स्टील शेयर जो 709 पर रुका है, ये शेयर का हम चार्ट पढ़ेंगे और चार्ट का स्ट्रैटेजी पूछेंगे कैसा रहता है शेयर। और ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल में हम दूर से देखेंगे तो ये बहुत दिन तक साइडवेज में रह कर एक बढ़िया से ब्रेकआउट देखे, कम से कम 1500 तो खाई बना के यहाँ से गिरावट होके अभी 709 50% गिर चुका है। यहाँ से 50% कोई भी शेयर गिरने से वहाँ से एक बड़ा सपोर्ट लेवल बनता है। कोई भी शेयर हो, अगर 50% गिर जाता है तो उसका शेयर आधा हो जाता है, यानी इसका मतलब एक बड़ा सा सपोर्ट लेवल बन जाता है। अभी आप जूम करके देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट लेवल 600 के पास में सपोर्ट ले रहे हैं, बार बार 600 के पास में सपोर्ट ले, यानी आपका सपोर्ट लेवल जो नज़दीक सपोर्ट लेवल 600 है। इस स्टील सेक्टर का बहुत बढ़िया शेयर है, बजाज कंपनी का है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वो आने वाला समय में ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा, क्योंकि इसका चार्ट, हर चार्ट में गिरावट उतार चढ़ाव रहता है और हर चार्ट का एक अलग सा पैटर्न रहता है। किसी का फ्लैग पैटर्न, किसी का डब्ल्यू, किसी का यू पैटर्न, इस तरह बनता रहता है। तो अभी इस चार्ट में हम यू पैटर्न इंतजार किए थे, जब ये 1000 के पास आया था वहाँ से ब्रेकआउट नहीं दे के नीचे गिर गया, इसका मतलब ये फ्लैग पैटर्न की तरफ बन रहा है। फ्लैग पैटर्न बनना यानी एक छुट्टा, जब ये नीचे गिरते गिरते छुट्टा बन जाएगा तब तो वहाँ से ब्रेकआउट दे के यहाँ से ऊपर फिर उठना चालू हो जाएगा। आपका जो मेन रेजिस्टेंस है 1000 रुपीज़, जहाँ 1000 रुपीज़ जिस दिन क्रॉस करेगा वहाँ से एक बड़ा सा मूवमेंट आएगा जो आने वाला समय में आपको दिखाई देगा। अभी का टाइम में 600 आपको बढ़िया सपोर्ट लेवल है, 600 का पास वहाँ से सपोर्ट लेके होल्ड कर सकते हैं। कम क्वांटिटी हो या ज़्यादा भी पैसा नहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे भी, कम क्वांटिटी रख सकते हैं 10-20 शेयर, तो आने वाला समय में ये आपको 1000 रुपये भी टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये शेयर बजाज स्टील शेयर को हम रिकमेंड करते हैं उसको बाय करने के लिए, ये बहुत बड़ा शेयर है, आप इसको लीजिए क्योंकि ये 50% गिर चुका है, आने वाला समय में ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर देगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।